हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सफरिंग फ्रॉम फीवर की एप्लीकेशन, जो कि क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज। राइट, लिखो एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे रिक्वेस्ट करो कि टू ग्रांट देने की, यूमिन साहब को लीव, छुट्टी, एस क्योंकि यूमिन साहब को आर है सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित, फॉर 3 डेज, 3 दिन की बुखार से पीड़ित होने के कारण अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को 3 दिन की छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको आंसर में लिखना टू, टू का मीन्स है यहाँ सेवा में। ठीक है, और जिस लाइन में आप टू लिखेंगे उसको आप खाली छोड़ देंगे। ठीक है, और टू के बिल्कुल जस्ट नीचे वाली लाइन में कुछ इतना स्पेस छोड़ने के बाद में आपको लिखना है द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी आर एन इंटर कॉलेज मेरठ। ठीक है, आर एन इंटर कॉलेज मेरठ के स्थान पर अपने कॉलेज का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेवा में प्रधानाचार्य जी आर एन इंटर कॉलेज मेरठ। ठीक है, और आपको टू के बिल्कुल जस्ट नीचे लिखना है आपको सर। ठीक है, सर का मीन्स है यहाँ मान्यवर, और सर लिखने के बाद में आप कोमा लगा देंगे और उस लाइन को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, और सर के बिल्कुल जस्ट नीचे वाली लाइन में कुछ इतना स्पेस छोड़ देने के बाद में, यानी कि इसके बिल्कुल जस्ट नीचे यहां से लिखना स्टार्ट करना है आपको, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट। मोस्ट रेस्पेक्टफुली, सबसे सम्मान पूर्वक, आई मीन में, वेक टू से दैट, मैं कहना चाहता हूं कि, मैं सबसे सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं कि, ठीक है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, आई मीन्स मैं हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित, या बोल सकते हैं आप बुखार आ रहा है। ठीक है, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से, मुझे पिछली रात से बुखार आ रहा है। ठीक है, यानी कि मैं सबसे सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मुझे पिछली रात से बुखार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लिखना है द डॉक्टर हैज एडवाइज मी कंप्लीट रेस्ट फॉर 3 डेज। द डॉक्टर, डॉक्टर ने, हैज एडवाइज्ड, सलाह दी है मी, मुझे कंप्लीट रेस्ट, पूर्ण आराम की, फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के लिए पूर्ण आराम की सलाह दी है। ठीक है, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, सो मीन्स इसलिए, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, अनेबल, असमर्थ, टू अटेंड, उपस्थित होने में, द कॉलेज, कॉलेज में, इसलिए मैं कॉलेज में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे लिखना है देयर फोर कोमा काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, देयर फोर अतः कोमा काइंडली, कृपया ग्रांट मी प्रदान करें लीव, छुट्टी, फॉर 3 डेज, 3 दिन की, अतः कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। ठीक है, और आगे लिखना है आई शैल बी हाईली ओबलाइज टू यू, आई मीन्स मैं शैल बी रहूंगा, हाईली बहुत या अत्यधिक, ओबलाइज आवारी टू यू, आपका, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लिखना है थैंकिंग यू, यानी कि धन्यवाद। ठीक है, इसके सामने आपको लिखना है योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी। ठीक है, योर ओबीडेंटली के नीचे आपको अपना नाम नहीं लिखना। ठीक है, अपने नाम के स्थान पर एक्स वाई जेड या ए बी सी इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, और क्लास यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना इसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंकिंग यू के जस्ट नीचे लिखनी है आपको डेट, और डेट लिखने के बाद में इस प्रकार से डॉट डॉट कर देना, यानी कि आपको कोई भी डेट नहीं लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।